हेलो जी, क्या हालचाल? सब कुछ चकाचक चल रहा है ना? आपके भाई के पास आ चुका है Redmi का Note 11, Xiaomi की सबसे राजा बेटा वाली सीरीज होती है ये वाली, और ये रिटेल यूनिट है, मैंने बाहर से बाय किया है। यदि आपके दिमाग में इस फोन को लेकर इतना सा भी डाउट है, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस यार आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूँ जो मुझे काफी तसल्ली देती है, वो है आपका एक लाइक। और पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जिनके पास दो 4G वाले सिम कार्ड है वो भी आप ठूस सकते हैं, अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का भी आपको विकल्प मिल जाता है। सार जो वैल्यू है ये भी आपको ठीक मिल जाती है, और मेरे भाई 4G प्लस का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन। जो मैंने इंटरनेट चलाया सिम कार्ड से वो भी भरपूर चला है, और मेरे घर पे जियो का फाइबर लगा हुआ है उससे भी इंटरनेट चलाने में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। जो माइक है ये भी काफी लल्लन टॉप है, और मैंने जिससे बात करा सामने वाले को मेरी आवाज बिल्कुल नीट एंड क्लीन सुनाई दी है। समझ गए ना, सत्यवादी वाला गूगल का डायलर है, मतलब सामने वाले को पक्का पता चल जाएगा आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, आप मॉडर्न यूजर है, 2 दिन चल जाएगी। बैटरी सेवर मोड भी है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, 27 मिनट के आसपास 50% फोन चार्ज हुआ। फोन को पूरा चार्ज होने में लगे 63 मिनट, मेरे हिसाब से 63 मिनट काफी अच्छा है। तो भाई बैटरी में मैं इस फोन को पूरे के पूरे नंबर दूंगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। यहां पर आपको MIUI 13 मिलता है। जो रैम मैनेजमेंट है ये पहले से मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, और जो UI है ये थोड़ा सा हल्का भी महसूस हो रहा है। यहाँ पर थोड़े से विजेट्स को बढ़ा दिया गया है। हाँ, अभी एंड्रॉइड 11 में बेस्ड है, हो सकता है बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 12 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। और जो सिक्योरिटी पैच है ये है दिसंबर 2021 वाला। डुअल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डुअल स्पेस का फीचर मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको MIUI में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर मिलता है, और ये जो प्रोसेसर है एक तो 4G वाला है, जो BGMI है स्मूथ में हाई सेटिंग में जाके खेलिए। और ये फोन यार जो बनाया गया है ना, मॉडरेट यूजर के लिए बनाया गया है। यदि आप बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, आपको ऐसा फोन लेना है जहां पर आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिले, तो मेरे भाई आपको किसी और फोन में जाना पड़ेगा। जो N22 बेंचमार्क स्कोर है ये आपको देखने को मिलता है 266,000 के आसपास। बहुत बार यार मैंने टेस्ट करा, अच्छी बात यह है फोन थ्रोटल भी नहीं होता है, और जो रीड एंड राइट स्पीड है ये भी आपको बिंदास मिल जाती है, क्योंकि UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। और सबसे अच्छी बात यह है, जब भी मैंने गेम खेला भाई फोन में हीटिंग इश्यू अभी देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो रैम है आप 1 GB तक की बढ़ा सकते हैं, 6 GB वाले वेरिएंट में ये वाला ऑप्शन है, और जो 8 GB वाला वेरिएंट होगा क्या पता वहां पर रैम और भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। लेकिन इस फोन का जो प्रोसेसर है इसे मैं डिसेंट कहूंगा। जिस प्राइस रेंज में ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से हैप्टिक आपको अच्छा मिल जाता है, फोन या टच करते समय वाइब्रेट होता है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। आपको छोटू सा फोन लेना है, कॉम्पैक्ट फोन लेना चाहते हैं, वन हैंड वाला आपको इस फोन में जाना चाहिए। यार जो आगे की तरफ डिस्प्ले का साइज है ये है 6.4 इंच का। एमुलेट पैनल 90Hz वाला, 60 में लगाइए, 90 में लगाइए, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है 1000 nits की, चमकते हुए सूरज में भी आप इस फोन की डिस्प्ले को अच्छे से देख पाएंगे। डिस्प्ले के हिसाब से आप इस फोन में जा सकते हैं, गोरिल्ला ग्लास की भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और पीछे की तरह जो मटेरियल है ये है पॉलीकार्बोनेट वाला। मैंने इसका वाइट भी देखा, ब्लू भी देखा, ब्लैक बाय करा। यार यहाँ पर जो फिनिश है ये है मैट वाला। यदि आपके हाथ में पसीना आता है, पक्की बात है यार आपके हाथ की उंगलियां डार्क शेड वाले में पक्का छपेंगी। आप जा सकते हैं व्हाइट कलर में, लेकिन मेरा एक सजेशन है, आप कोई भी फोन बाय करें अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास होना चाहिए, और साथ में बैक कवर होगा, आपके फोन की जो सुरक्षा होगी वो और भी अच्छी हो जाएगी। और जो फोन का वेट है
ये है 179 ग्राम बॉक्सी डिजाइन वाला फोन है। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में मैं इस फोन को आपको सजेस्ट कर सकता हूं। अब बात करते हैं कैमरे की। पीछे की तरफ आपको चार आंखें देखने को मिलती है। जो मेन सेंसर है यह है 50 मेगापिक्सल का, अच्छा हुआ 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है ये भी दे दिया गया, 2-2 मेगापिक्सल वाले और भी चिपकाए गए हैं। और आगे का जो सेल्फी कैमरा है यह है 13 मेगापिक्सल का। डे लाइट कंडीशन में जो फोटो है ये आपको काफी आई कैची वाली लगेगी। जो डिटेल है इसकी भी कमी नहीं है, डायनेमिक रेंज को भी काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और जब भी मैंने यार पोर्ट्रेट फोटो ली यहां पर भी जो कलर है ये काफी बिंदास लग रहे हैं। हाँ, जिनको वार्म टोन वाली फोटो नहीं पसंद तो भाई आप सोच सकते हैं, क्योंकि फोटो थोड़ा सा यार बूस्टेड लग सकती है। रोड में चलते चलते यार मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल वाली फोटो भी क्लिक करी और क्लिक करने के बाद ये एहसास हुआ यहाँ पर जो कलर है ये आपको प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और जो नाइट की फोटो है ये आपको एवरेज लगेगी। वैसे इस प्राइस ब्रैकेट में यार आपको ऐसी ही नाइट की फोटो मैक्सिमम फोनों में देखने को मिलती है। और जो 2 मेगापिक्सल वाला माइक्रो सेंसर है ना ये आपको ठीक ठाक वाली फोटो दे देगा, और जो सेल्फी कैमरा है ये भी आपको बिंदास फोटो दे देगा। Redmi Note 11 में 1080p 30 fps तक ही केवल आप बना सकते हो वीडियो, 4K का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वाइड बैंड 11 का भी सपोर्ट मिल जाता है। Netflix पे, Amazon में आप फुल HD पे वीडियो देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाती है। और जिनको गूगल का कैमरा इंस्टॉल करना है यार आपको कैमरा टू API भी मिलता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी चेक कर लेते हैं, सही काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर के मामले में यार आप शिकायत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो डुअल स्पीकर है ये काफी लाउड है, काफी कवाल का है। और जिनके पास पुराना वाला हेडफोन है आप उसे लगा के भी म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। साइड वाला फिंगरप्रिंट मिलता है और ये काफी फास्ट है, काफी एक्यूरेट है। और जितना भी मैंने यूज करा मुझे यार कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या आपको जाना चाहिए Redmi के Note 11 की तरफ। जिन लोगों ने इस फोन को 12,500 रुपए में बाय किया है आफ्टर बैंक ऑफर, काफी बिंदास ऑप्शन है। लेकिन आपको केवल और केवल गेम के लिए फोन लेना है, आप किसी और विकल्प में जाइए, तो मेरे भाई मैंने आपको अच्छी बातें भी बता दी और कहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके बारे में भी यार हमने बात करी है। अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर से कहूंगा जाते जाते चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।